वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर आमद। लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर गवर्नर हाउस पहुंचे, बाबा रवान भी हमरा थे। गवर्नर हाउस में आवाम को देखकर वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाया। कुछ देर गवर्नर हाउस रहे और फिर वज़ीर-ए-आला हाउस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला और गवर्नर से मुलाकात, पंजाब काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को 100 रोजा प्लान, नए बल्दियाती निज़ाम और तजावुजात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की मामलात पर सहाफियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। शाम 6 बजे सहाफियों से मुलाकात करेंगे। गवर्नर हाउस के दरवाजे आज भी आवाम के लिए खुले रहे। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई, एंट्री के लिए लंबी कतारें लग गईं। इंतजामिया की जानिब से सख्त चेकिंग, खाने पीने की अशिया ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। गवर्नर हाउस में वजीर आजम की आमद, सैर करने आने वाले शहरी सिर्फ एक ग्राउंड तक महदूद, पार्क पहाड़ी झील तक जाने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, शरीफ खानदान ने सर जोड़ लिए। जाति उम्रा में अहम बैठक, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और आइंदा के लायहा अमल पर गुफ्तगू। कानूनी माहरीन से भी मुशावरत की गई। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। नवाज शरीफ ने भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत ना मिलने का इकदाम, एहतसाब अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ अपने वकील की वसादत से एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर करेंगे। डीजी नैब ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। वसाइल कम लेकिन फिर भी आम आदमी की फलाह बहबूद दिल के करीब तरीन है। आइंदा बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। बजट अदादो शुमार का हेर फेर नहीं बल्कि वसाइल में रहते हुए तरक्कियाती अमल का आकाश होगा। वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार। पंजाब भर में अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा चुके हैं। कब्जा माफिया से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम इमरान खान के अहकामात के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। वजीर हाउसिंग मियां महमूद और रशीद। करप्शन की तहकीकात करने वाले इदारे आईनी हैं। शहबाज शरीफ पर केसेस तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए। ये लोग जमहूरियत को अपनी जात और मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की गुलशन रावी में गुफ्तगु। सदफ डिपार्टमेंटल स्टोर का इफ्तिताह किया। गोश्त और चिकन तो पहले ही हैं आवाम की पहुंच से दूर, सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां महंगी तो हैं, गैर मियारी भी हैं, शहरियों का गिला। वॉल्टन में पीटीआई के सीनियर रहनुमा नासिर शाहिद लोधी की NA 131 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर के एजाज में नाश्ता, कारकुन भी शरीक हुए। आम इंतखाबात में धांधली के बावजूद साद रफीक ने शिकस्त खाई, फिर जीतकर इमरान खान को तोहफा देंगे। हुमायूं अख्तर का कारकुनान से खिताब। NA 131 में PTI के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की अहलिया की मानावाला चर्च DHA आमद, मसीही बरादरी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात, हुमायूं अख्तर को वोट देने की दरखास्त की। अपोजिशन लीडर को बगैर इल्जाम गिरफ्तार करना कहां का इंसाफ है? ऐसे रवैये जमहूरियत को तबाह करते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की राय में कोई फर्क नहीं, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी। NA 124 में लीगी उम्मीदवार का हबीबुल्ला रोड पर चेयरमैन UC 173 राना मोहम्मद अकरम के घर नाश्ता, कारकुनान को भरपूर मुहिम चलाने की अपील की।